रांची के मोरहाबादी ऑक्सीजन पार्क के पास हुई सड़क दुर्घटना मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने न्यायाधीश और झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने संज्ञान लिया है। सड़क दुर्घटना में घायल लोगों का समुचित इलाज कराने का झालसा को निर्देश दिया है। झालसा के सचिव राकेश रंजन और रांची सिविल कोर्ट के जज कमलेश बेहरा रात रिम्स गए हुए थे। रिम्स में सड़क दुर्घटना में घायलों से मुलाकात की। रिम्स प्रबंधन से घायलों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। सोमवार की रात हुई सड़क दुर्घटना में एक की मौत और 6 लोग घायल हो गए थे। घटना की जानकारी होने पर पुलिस ने मौके वारदात पर पहुंचकर एसयूवी को जब्त किया। सड़क दुर्घटना में घायलों को रिम्स में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। रांची के मोराबादी स्थित ऑक्सीजन पार्क के पास भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां एक तेज रफ्तार एसयूवी ने 5 लोगों को रौंद दिया। इस घटना में जल संसाधन विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी अरुण कुमार सिंह की मौत हो गई, वहीं उनकी पत्नी मधुरानी समेत 4 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों को रिम्स समेत एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 3 अन्य घायलों में मोराबादी की सरिता देवी, संतोष कुमार और एक व्यक्ति शामिल है। घटना के बाद कार चालक फरार हो गया। लालपुर पुलिस ने कार जब्त करते हुए चालक के दोस्त को हिरासत में लिया है। मिली जानकारी के अनुसार जल संसाधन के अधिकारी अरुण कुमार सिंह पत्नी के साथ मोराबादी में इवनिंग वॉक कर रहे थे। ऑक्सीजन पार्क के पास नशे में धुत कार चालक ने अचानक पति पत्नी को धक्का मार दिया, जिससे दोनों सड़क पर गिर पड़े। इसके बाद कार चालक ने पैदल चल रहे 2 अन्य राहगीर और स्कूटी सवार को धक्का मार दिया। वे तीनों सड़क पर गिरकर घायल हो गए। इधर अनियंत्रित कार पार्क के पास चौराहे पर लगे बिजली खंभे से टकरा गई। हादसे के बाद लोग दौड़े और घायलों को अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने प्रशाखा अधिकारी अरुण सिंह को मृत घोषित कर दिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।